1998 काले हिरण केस में जोधपुर के कोर्ट ने सलमान खान को सजा सुना दी है। उन्हें 5 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस ऐलान के बाद सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच चुके हैं। सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में आज की रात आसाराम के साथ बैरक नंबर 2 में गुजारेंगे। कल उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट में ये सुनवाई की जाएगी। अगर वहां से राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट का दरवाजा सलमान खान खटखटा सकते हैं। इस मामले के बाकी 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बिश्नोई समाज इस बात का विरोध कर रहा है। अगर अभी भी आपके पास बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि RBI ने साफ कर दिया है कि ऐसी करेंसी का भारत के सिस्टम में कोई जगह नहीं है। इसके अलावा भी RBI ने डिजिटल करेंसी को लेकर कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। जानते हैं अरुण से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात रिजर्व बैंक ने कही है कि डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी जो जैसे बिटकॉइन है और दूसरी वर्चुअल करेंसी है, वो सिस्टम में उसके लिए जगह नहीं है। इसके पहले लिए बहुत चेतावनी वो देते रहे हैं, लेकिन अब उसको एक तरह से बंद करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। और रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो खुद डिजिटल करेंसी लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। कमेटी बना दी गई है। डिजिटल करेंसी जो रिजर्व बैंक लाएगा वो पेपर नोट जो है, जो नोट करेंसी नोट चलते हैं, उसके अलावा होगी। क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना है कि डिजिटल करेंसी से एक तो प्रिंटिंग में खर्च बचेगा, उसको ट्रांसफ़र करना इजी होगा, और दूसरा ये वर्चुअल करेंसी, जो दूसरी वर्चुअल करेंसी, प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, इसका मार्केट पूरी तरह बैन हो जाएगा। तो ये क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने कहा है। और 2-3 चीज़ें मैं और ऐड कर दूं कि क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आगे उम्मीद जताई है कि महंगाई कम होगी। मतलब आपके लिए दूसरी जो अच्छी खबर इसको कह सकते हैं, उसका मतलब ये है कि ब्याज दरें बढ़ने की जो आशंका जताई जा रही थी कि महंगाई बढ़ जाएगी तो ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, वो फिलहाल खत्म हो गई। डेटा चोरी मामले में फेसबुक ने एक नया खुलासा किया है। फेसबुक के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का कहना है कि 5 करोड़ यूजर्स के ही डेटा चोरी नहीं हुए, ये संख्या 8,70,00,000 तक की थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका वो कंपनी है जिस पर ये सारे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से यूजर्स का डेटा चोरी किया। खास बात ये है कि 8,70,00,000 में से 5,62,000 भारतीय थे जिनका डेटा चोरी किया गया। सबसे ज़्यादा संख्या अमेरिका के यूजर्स की रही। एक और बहुत खास बात यहाँ बता दें कि 2019 में भारत में चुनाव होने जा रहे हैं। इस डेटा चोरी का सीधा कनेक्शन चुनाव से है। अमेरिकी चुनाव और ब्रेग्जिट में इस डेटा के माध्यम से दखलंदाजी की गई थी। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे 21वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने भी शानदार शुरुआत करते हुए सिल्वर मेडल के साथ अपना खाता खोला। वेट लिफ्टिंग में पी गुरुराजा पुजारी ने भारत को पहला सिल्वर मेडल जिताया और उसके थोड़ी ही देर बाद वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। लगातार 20वें दिन भी संसद का बजट सत्र हंगामे की वजह से ठप रहा। बैंक घोटाले, SC/ST प्रदर्शन और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, जिससे संसद की कार्यवाही नहीं हो पाई। बता दें, 6 अप्रैल को संसद के बजट सत्र की अवधि खत्म हो रही है। अनुपम खेर की आने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उनका लुक कैसा होगा, अब इस पर से पर्दा हट गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है जिसमें अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह दिख रहे हैं। उन्होंने हूबहू मनमोहन सिंह का गेटअप लिया हुआ है। बता दें, ये फिल्म संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर ही आधारित है।